सर, मैं विकास शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय मीडिया फाउंडेशन से बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कौशिक का बड़ा बयान इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर है राष्ट्रीय प्रवक्ता का। बताते चलें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बड़ा ही हमला, एक जबरदस्त हमला हुआ था। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हो नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ आज आपके सामने मैं फिर एक बार पेश हुआ हूं और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या को लेकर के पेश हुआ हूं। आज देश के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों का उत्पीड़न चरम पर पहुंच चुका है। आपको ज्ञात होगा कि पूर्व मंथ पहले भारतीय मीडिया फाउंडेशन में वाराणसी में आजादी की दूसरी महाक्रांति को लेकर के एक महासम्मेलन का आयोजन किया था और दूसरे महासम्मेलन का आयोजन लखनऊ में 23 अगस्त को किया जाना था। पहले महासम्मेलन की कामयाबी को देखते हुए सरकार की चूलें हिल गई, सकते में आ गई। जिस तरह महासम्मेलन में लोगों ने अपना उत्साह दिखाया, भ्रष्टाचार के प्रति, देश के प्रति, देश में होने वाले अत्याचारों के प्रति अपना जो लगाव दिखाया वो काबिले तारीफ था। अभी 3 दिन पूर्व भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ए के बिंदुसार जी पर जानलेवा हमला किया गया। वो तो अगर दोनों तरफ से रोड पर गाड़ियों की आवाजाही ना रही होती तो बदमाश उन्हें कब का मौत के घाट उतार चुके होते और जाते जाते वो उनका मोबाइल भी लेकर चले गए। आज देखिए, भारतीय मीडिया फाउंडेशन काफी समय से यह कहती आ रही है, सरकारों को इस विषय में कई बार ज्ञापन भी दिए गए, शिकायत पत्र भी दिए गए, मांग पत्र भी दिए गए कि संसद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर गंभीर हो, कानून बनाए जाएं, पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर गंभीरता दिखाई जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। संविधान यह कहता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो फिर सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुदृढ़ बनाने के लिए वो उचित कदम क्यों नहीं उठाती जो कदम उसने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को सुदृढ़ करने के लिए अब तक उठाए हैं। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ए के बिंदुसार के साथ जो हुआ वो आए दिन हर पत्रकारों के साथ होता आ रहा है। उनकी हालत उनके घर में जाके पूछिए तो वो कहेंगे कि हम कुछ कह नहीं सकते। चंद चैनल जो हकीकत ना दिखाकर आज सरकार की डर से सरकार का बोलने वाले तोता बन गए हैं। हम इस घटना का विरोध करते हैं, इस पर खेद प्रकट करते हैं और भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से अविलंब यह मांग करते हैं कि माननीय ए के बिंदुसार पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी जांच कराई जाए और तत्काल दोषियों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे डाला जाए। आज ये इनके साथ हुआ है, पहले भी पत्रकारों के साथ होता आया है। यह सब साजिश 23 अगस्त को होने वाले दूसरी आजादी की महाक्रांति की लड़ाई को रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। अगर जल्द ही माननीय बिंदुसार जी के दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो भारतीय मीडिया फाउंडेशन हिंदुस्तान के 18 के 18 राज्यों में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। सड़क से और संसद तक हुंकार दिखाई देगी, देश की गति रुक जाएगी। इसके लिए फिर मीडिया जगत को दोष ना दिया जाए। इस हम
सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए। माननीय बिंदुसार जी को बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए और पत्रकार हित में जल्द से जल्द कानून पास किए जाएं ताकि आगे चलकर ऐसी अप्रिय घटनाएं न घटें। जय हिंद, जय भारत।